नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं QNTV न्यूज। हर खबर पर होगी नजर, आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डिंडौली पुलिस स्टेशन की निगरानी टीम ने अंग्रेजी शराब की गुणवत्ता मामले का संचालन करते हुए दो आरोपियों को अंग्रेजी शराब की बोतलों और बियर टिन नंबर 904 से भरे तीन पहिया टेम्पो कुल कीमत 1,78,488 रुपए के साथ पकड़ा। पुलिस आयुक्त सीनियर सूरत और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सीनियर सेक्टर 1 और DCP जोन 2 श्री भागीरथ गढ़वी साहब और ACP डी डिवीजन जी श्री JT सोरारा साहिब सूरत सिटी NAO सूरत सिटी क्षेत्र में निषेध गतिविधियों का उन्मूलन डिंडौली पॉइंट ES सर्विलांस PSI हरपाल सिंह मसानी श्री RJ चुड़ासमा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में नव सर्विलांस के पुलिस जवानों के साथ डिंडौली क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान HC दिवेश हरीश भाई और HC राजदीप सिंह नरेंद्र सिंह नाव को निजी तौर पर विशेष जानकारी मिली कि डिंडौली कराडवा रोड उपरोक्त मार्ग पॉइंट के पीछे माधव कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में लिफ्ट के पास दो अंग्रेज शराब से भरा टेम्पो लेकर खड़े है। कल्पेश गुलाब पाटिल तीन पहिया टेम्पो लेकर खड़े थे, जिससे पुलिस वालों ने टेम्पो को घेर लिया तथा टेम्पो की जांच करते समय भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बियर की छोटी बोतलें टीन क्रमांक 904 कीमत 68,488 रुपए एवं तीन पहिया टेम्पो की कीमत 1,10,000 कुल कीमत 1,78,488 रुपए बरामद हुई है। पूरा माल जब्त कर लिया गया है। इस मात्रा में अंग्रेजी शराब का ऑर्डर देने वाले प्रमोद पाटिल जैक स्पेरो ओयो होटल डिंडौली सूरत निवासी को वांटेड घोषित किया गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है और सराहनीय कार्य किया गया है। सूरत से आरिफ भाई मलिक और बाबा भाई रोशनी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए QNTV न्यूज पर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल QNTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमारी वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।